देखिए क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कोस एक्स प्लस कोस एक्स की पावर साइन एक्स, इसका हमें डिफरेंशियल करना है। अब देखिए अगर ये फंक्शन की पावर फंक्शन वाला क्वेश्चन है तो अगर ये सिंगल क्वेश्चन होता तो हम डायरेक्ट लोग लेकर dy बाई dx निकाल लेते, यानी डिफरेंशियल कर देते हम। लेकिन अगर दो फंक्शन जो कि फंक्शन की पावर फंक्शन में है और प्लस या माइनस हो रहा है तो उसको हम u और v मानकर करते हैं, वो डायरेक्ट नहीं हो सकता क्वेश्चन, उसका डिफरेंशियल डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू इसको u मान लेते हैं प्लस इसको v मान लेते हैं, यानी इस पार्ट को v इसको u, इसका डिफरेंशियल अलग करेंगे। अब देखिए y का डिफरेंशियल क्या होता है, dy बाय dx, u का डिफरेंशियल du बाय dx प्लस v का डिफरेंशियल होता है dv बाय dx। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे और दोनों की जो वैल्यू आएगी du अपॉन dx की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, dv अपॉन dx की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं, u इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कोस एक्स। ठीक है अब देखिए कैसे करेंगे, हम दोनों तरफ लॉग लेंगे इस क्वेश्चन में, जो फंक्शन की पावर फंक्शन होता है उसमें लॉग लेकर ही सोल्व किया जाता है। तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर कोस एक्स। अब यहां पर रूल लग जाएगा लॉग एम की पावर एन का, लॉग एम की पावर एन का क्या रूल होता है, देखिए ये शुरू में आ जाता है एन लॉग एम, क्लियर है। तो इसी तरह से ये शुरू में आ जाएगा, तो लॉग यू इज इक्वल टू कोस एक्स लॉग साइन एक्स। अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए तो यहां प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट और सेकंड वाला, फर्स्ट इसे मान लेते हैं सेकंड इसे, यहां पर हम किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं किसी को भी सेकंड। अब देखिए लॉग यू का डिफरेंशियल क्या होता है, लॉग यू का डिफरेंशियल होता है जब लॉग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स होगा तो लॉग यू का डिफरेंशियल वन अपॉन यू होगा। लेकिन हमें पता है कि अगर एक्स की जगह कुछ और आ जाता है, ठीक है, और हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशियल अलग करते हैं, मतलब यहां पर यू आया हुआ है तो इसका डिफरेंशियल हम अलग करेंगे, यू का डिफरेंशियल होगा डी यू अपॉन डी एक्स। और यहां फर्स्ट सेकंड रूल लगाइए, फर्स्ट ऐसी सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे लॉग साइन एक्स का। अब जिस तरह से लॉग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स होता है इसलिए लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल होगा वन अपॉन साइन एक्स। और यहां पर देखिए अगर जैसे कि अभी बताया अगर यहाँ यू आ जाए तो यू का डिफरेंशियल लॉग यू का डिफरेंशियल होगा वन अपॉन यू एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन अगर यहाँ यू है तो यू का डिफरेंशियल भी अलग होगा जो कि होगा डी यू अपॉन डी एक्स। इसी तरह से अगर लॉग साइन एक्स आ जाए तो यहां इसे एक्स मानकर ही करेंगे, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल होगा वन अपॉन साइन एक्स, लेकिन एक्स नहीं है तो इसलिए साइन एक्स का डिफरेंशियल भी अलग करते हैं, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। तो इस तरह से लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल हो गया वन अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का हो गया कोस एक्स। तो फर्स्ट ऐसी सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड ऐसी यानी लॉग साइन एक्स ऐसी और फर्स्ट का डिफरेंशियल कोस एक्स का होगा माइनस के साइन एक्स। ठीक है अब देखिए यहां पर कोस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कोट एक्स, इसे लिख सकते हैं कोट एक्स इंटू कोस एक्स। यू को हम यहां मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो यहां से डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू कोस अपॉन साइन, इसे हम लिख सकते हैं कोट एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है और देखिए इनकी मल्टीप्लाई हो रही है माइनस का साइन है इसलिए माइनस यहां शुरू में आ जाएगा, और हम साइन एक्स को भी शुरू में लिख सकते हैं साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है साइन एक्स पहले लिख लिया लॉग साइन एक्स, तो यू की वैल्यू जो हमने मानी थी वो यहां पर रख देते हैं, क्लियर है। अब देखिए तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या आ जाता है इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कोस एक्स, और बाकी का देखो यू की वैल्यू रख दी, बाकी का पूरा पार्ट ऐसा का ऐसी कोट एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स और लॉग साइन एक्स। यहां भाई डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए हम इस पार्ट का अलग करेंगे, वी इज इक्वल टू कोस एक्स की पावर साइन एक्स, जिस मेथड से हमने इसको सोल्व किया इसी मेथड से इसको सोल्व करेंगे। इधर भी दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग कोस एक्स की पावर
साइन एक्स। लॉग एम की पावर इनका रूल लगाएंगे, साइन एक्स शुरू में आता है तो लॉग वी इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग कोस एक्स। यहां भी प्रोडक्ट रूल फर्स्ट और सेकंड, इसे फर्स्ट मान लेते हैं इसे सेकंड। लॉग वी का डिफरेंशियल वन अपॉन वी, वी का डिफरेंशियल डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट ऐसी, सेकंड का डिफरेंशियल लॉग कोस एक्स का डिफरेंशियल लॉग एक्स मानकर करेंगे तो वन अपॉन कोस एक्स इंटू, यहां पर कोस एक्स का और डिफरेंशियल होगा, कोस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस के साइन एक्स प्लस, फर्स्ट ऐसी सेकंड का डिफरेंशियल हो चुका है प्लस सेकंड ऐसी इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल साइन एक्स का कोस एक्स, क्लियर है। अब देखिए वी मल्टीप्लाई में भेज देंगे हम इधर, तो डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाती है वी इंटू साइन अपॉन कोस को हम लिख सकते हैं टेन एक्स, और माइनस का यहां पर साइन है यानी इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, यहां माइनस के टेन एक्स साइन एक्स, और यहां पर प्लस के देखिए कोस एक्स को हम शुरू में लिख सकते हैं कोस एक्स लॉग कोस एक्स, क्लियर है। और वी की वैल्यू जो हमने मानी थी वो यहां रख देते हैं, तो वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कोस एक्स की पावर साइन एक्स, और बाकी का पूरा पार्ट ऐसा गया ऐसी माइनस के टेन एक्स साइन एक्स प्लस के कोस एक्स लॉग कोस एक्स, ठीक है, क्लियर है। डीवी अपॉन डीएक्स की वैल्यू जो आई है और जो डीयू अपॉन डीएक्स की वैल्यू थी, अब दोनों वैल्यू को हम यहां रख देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस यहां रखिए और वही आपका आंसर होगा। कैसे, तो देखिए हम क्या करते हैं, अब जो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये इसकी जगह रख देंगे तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू वहां से उठाएंगे साइन एक्स की पावर कोस एक्स इंटू कोट एक्स कोस एक्स माइनस के साइन एक्स और लॉग साइन एक्स प्लस डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू प्लस डीवी अपॉन डीएक्स की वैल्यू जो कि ये थी कोस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस के टेन एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस कोस एक्स लॉग कोस एक्स, तो ये हमारा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आता है इसी मेथड से करने हैं, जो फंक्शन की पावर फंक्शन में दो फंक्शन या तीन फंक्शन होंगे और प्लस में या माइनस में हो, ठीक है।